वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल गाइस। आईटीएम आईटीएम आईटीएम, दिस साइड अभि शर्मा, आप सबका भाई। एंड जो आज का टॉपिक है वीडियो पर, राइट, सभी ट्रिक का बाप बता रहा हूँ। सभी ट्रिक, जितनी भी आपने ट्रिकों को यूज किया है ना, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सबसे यूनिक ट्रेड है। यूनिक ट्रेड, सॉरी, ट्रिक नहीं, ट्रेडिंग ट्रिक, ठीक है ना। तो प्लस जो चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही गजब की ट्रिक रहने वाली है। आपने बहुत सारी ट्रिकों को यूज किया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन जो आज की यूनिक चीज है ना, वो सबसे यूनिक 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 ही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस, दिस साइड अवि शर्मा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड कैसे आप निकाल सकते हैं, मैं रियली बता रहा हूँ। अगर आपने इस ट्रिक पर फोकस कर लिया तो आप डेफिनेटली बहुत तंगड़ा प्रॉफिट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो देखो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो प्लस सभी से बोलूंगा, वीडियो को अगर आ चुके हैं वीडियो पर तो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आप डेफिनेटली 101% प्रॉफिट बना ले वाले हो, 101% प्रॉफिट बनाने वाले हो। आपके प्रॉफिट को कोई रोक नहीं सकता है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप प्रॉफिट डेफिनेटली बहुत तंगड़ा बनाएंगे मेरे भाई, इस चीज को माइंड में बैठा लो। तो ठीक है, तो फोकस, ईयरफोन लगा लो, मेरी स्क्रीन पर, मेरी बातों पर आप ध्यान देना सिर्फ। जो टॉपिक है सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड कैसे निकाली जाए। तो वीडियो को लाइक करना, बिना कमेंट के जाना मत, मैं आपसे यही मांगता हूँ। प्लस चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर लो, जल्दी से जल्दी 1K कंप्लीट करा दो बस, ठीक है। जल्दी से जल्दी 1K का, मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है कि जल्दी से यार अपने 1K हो जाए, 1K की फैमिली हो जाए। और प्लस कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आ जाना मेरे ग्रुप के अंदर में, जहां पर मेंटोरशिप लॉन्च हो चुकी है। मेंटोरशिप लेके नॉलेज लो एंड प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। तो बकवास ना करके हम सीधे चलते हैं, ठीक है, चलिए। ओके, तो देखो आज का टॉपिक है क्या है, ओटीसी मार्केट। सबसे ज्यादा ओटीसी मार्केट को पकड़ना, ठीक है। ओटीसी मार्केट में आपको करना क्या है, सिंपल फोकस आपको क्या करना है, किस मार्केट में काम करेगी वो ट्रिक, और मार्केट का एरिया कैसा होना चाहिए, मार्केट किस टाइप में चल रही हो, ठीक है, किस रेंज में चल रही हो मार्केट। तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपकी जो ट्रिक है वो किस ट्रिक में काम करने वाली है, ठीक है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो किस ट्रिक में, किस मार्केट के अंदर में वो काम करेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो फोकस सिंपल। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कभी भी आपने, जैसे कि मैंने AUD USD चार्ट ओपन कर रखा है, मतलब आप कोई सा भी चार्ट ओपन कर लेना, ठीक है, रैंडमली आप कोई सा भी चार्ट ओपन कर लेना, जैसे कि USD BRL हुआ, ठीक है, USD BRL हुआ, ठीक है। ओके ओके, अब देखो आपको करना क्या है, मार्केट में ज्यादातर फोकस क्या करना है, दो ग्रीन कैंडल पकड़नी है। क्या पकड़नी है, दो ग्रीन कैंडल। दो ग्रीन कैंडल आप पकड़ोगे कैसे, सिंपल देखो। ओके, मैं बताता हूँ, देखो सुनो, मार्केट का पहले मार्केट देखो चल कैसे रही है, मार्केट का मूवमेंट क्या है। ओके, अब देखो ये मार्केट का मूवमेंट है USD BRL में, ठीक है, बहुत अच्छी मार्केट चल रही है भाई साहब, बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है, एक अच्छा एरिया भी चल रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो आपको इस मार्केट में करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है डियर, सिंपल सा फोकस है, दो ग्रीन कैंडल पकड़नी है, सिंपल। देखो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मतलब एक और दो, मतलब बैक टू बैक दो आपको ग्रीन कैंडल पकड़नी है, और दो ग्रीन कैंडल पकड़ने के बाद में आपको बीच में क्या लगानी है, हॉरिजेंटल लाइन लगानी है। आपको क्या लगानी है, हॉरिजेंटल लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद में देखो, जैसे कि मैं इसका यूज करता हूँ, मैं हॉरिजेंटल लगा सकता हूँ, बट उसको लगाओ फिर निकालो, ठीक है, तो झंझट मत पालो, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी माउस का काम यही करता है, हॉरिजेंटल लाइन लगाने का, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, लाइन लगाने के बाद में मार्केट का एक एरिया देखो ऊपर से नीचे आना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, मतलब सिर्फ दो ग्रीन कैंडल को बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इस कैंडल ने ब्रेक किया, किसने, एक रेड कैंडल ने ब्रेक किया। जब भी कोई भी रेड कैंडल ऊपर से ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद में आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, पुट डायरेक्शन में। मैंने क्या बोला है, दो ग्रीन कैंडल बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में आप एक कैंडल ने ऊपर से मार्केट जब ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में इस पुट रेड कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, पुट डायरेक्शन में आपको ट्रेड ले लेनी है। डाउन डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली, आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट में, आपको बता रहा हूँ। और प्लस मल्टीकल आपको वन टाइम आपको यूज करना ही करना है, बिना मल्टीकल के बात नहीं बनेगी। एक सेकेंड रुकना गाइस, कुछ टिप्स तो तीन बग पता है स्ट्रेटेजी। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया सिंपल, ठीक है, दो ग्रीन कैंडल पकड़ने हैं, किस एरिया में पकड़ने हैं, मार्केट का देखो एरिया देख लो पहले, तो मार्केट का एरिया देखो, मार्केट का एरिया चलता क्या है, मार्केट किस रेंज में चल रही है,
बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, तो आपको फोकस सिर्फ यही करना है, आपको ये वाली मार्केट को मैं पकड़ना ही पकड़ना है, ठीक है। अब देखो सिंपल फोकस, एक ये कैंडल ग्रीन है, ये भी कैंडल ग्रीन है, बीच में आपने क्या लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद में आप देखो किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब कि मार्केट की चीज भी चलती है। मैंने आपको फिर बोला और काफी टाइम से मैं बोलता भी आ रहा हूँ, ठीक है, फालतू लोगों के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ नॉलेज पे बेस पर प्रॉफिट बनाओ। नॉलेज का भंडार है भाई आपके अभी भाई पर, नॉलेज है भाई, बहुत सारी चीजें पता है मार्केट के बारे में, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सुनो, मार्केट दो चीजों में चलती है, एक तो वीक पे चलती है और एक चलती है, एक तो मतलब वीक जो मतलब टच करके ही निकल जाती है, एक तो टचेस पर चलती है और एक चलती है गैप को फिल करने पे मार्केट। तो आपके पास में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मार्केट कब टच पे चलेगी और कब गैप को फिल करेगी, राइट। क्योंकि कभी कभी मार्केट सिर्फ टच से ही निकल जाती है, लेकिन आप सोचते हो यार गैप को फिल करेगी, लेकिन वो आप सोच रहे हो गैप को फिल करेगी, वहीं पर आप मात खा जाते हो और वहीं पर आप सबसे ज्यादा मल्टीपल भी लॉस अपना कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, तो देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या है, सिर्फ टच करके निकल गया, ऊपर क्लोज हो गया, तो इसने ब्रेक कर दिया है, इसने रेड कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लगाई बीच में, तो यहाँ भी एक रेड कैंडल देखने को मिला, और प्लस अपनी एंट्री थोड़ा अच्छी सी ले आराम से, मार्केट में हर चार्ट में आपको 5 मिनट के अंदर में शॉर्ट शॉर्टेड आपको मिली जाएगी। अब देखो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ जाते हैं, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, आपने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, सेम डायरेक्शन पुट डायरेक्शन में, कितनी डीप आपकी आईटीएम हो चुकी है। मैं ये भी बताऊंगा कहाँ काम करेगा कहाँ काम नहीं करेगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहो, वीडियो को देखते रहो, लाइक कमेंट तो बनता है अपने भाई के लिए, नॉलेज लेते रहो, ऐसी प्यारी प्यारी मैं शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक लाता रहूंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेंटोरशिप लॉन्च हो चुका है, मेंटोरशिप में मैं बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर यूट्यूब पर डाल दूंगा तो वायरल हो गया, तो आपको पता है कोटेक्स उसको चेंज भी कर सकता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं मेरी मैं उनको यूट्यूब पर डाल के कोटेक्स उसको चेंज कर दे, तो मैं इसलिए नहीं चाहता, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें अंदर के राज मार्केट के मैं अपनी मेंटोरशिप में ही बताना चाहता हूँ, जिसमें कम से कम जो लोग आए वो लोग सीखें और वो लोग आगे पढ़े। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रॉफिट करो, इसलिए मैं भी काफी सारी शॉर्ट शॉर्ट जो चीजें होती हैं, जो ट्रिक होती हैं, मैं उनको यूट्यूब पर लाता रहता हूँ, इसलिए आप उनको देखकर प्रॉफिट डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो फोकस ज्यादा बकवास ना करके सिंपल, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना यार क्या मतलब पकाते रहते हो वीडियो में, मेन मुद्दा क्या है वीडियो करेगा, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्यार से समझो आप, ठीक है। तो देखो देन सिंपल, इसने ब्रेक किया तो आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड ली, तो मार्केट का एरिया देख रहे हो कैसे चल रहा है, मार्केट का कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। देन सिंपल सी चीज, अब देखो कौन सा कैंडल है, बैक टू बैक दो रेड सॉरी ग्रीन कैंडल है, तो बैक टू बैक आपने क्या लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में ये इसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में आपने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन ट्रेड ली, ली होगी सेम डायरेक्शन तो लॉस हो जाएगी ना, लेकिन आपकी एमडीजी यहाँ पर विन हो जाएगी। मैं इतना बोल रहा हूँ कि 99.99% आपकी शॉर्ट शॉर्ट रहेगी, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, 99.99% आपकी शॉर्ट शॉर्टेड होगी, 1% का थोड़ा सा हल्का सा चांसेस पड़ जाएगा जो एमडीजी आपकी विन करा देगा, बट एमडीजी विन कराएगा ही करेगा काफी, ठीक है। बट थोड़ा ये देख लेना लेवल्स तो नहीं है, कुछ चीजें और भी होती है मार्केट में, उन चीजों को फॉलो तो करके नहीं चल रहा, ठीक है, तो थोड़ा आप उन चीजों को भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, प्लस आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो देन सिंपल, अब देखो मैं चलता हूँ थोड़ा और, ओके ओके, अब देखो ये जो कैंडल है ना, अब देखो यहाँ पर ये है ना, ये गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो प्लीज इग्नोर, ठीक है, गैप अप ओपनिंग को प्लीज इग्नोर करना, जितना इग्नोर कर सको तो उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो एओडी सीएचएफ पर चार्ट पे चलते हैं, एओडी सीएचएफ, ओके, अब देखो यही देख लो यार, अब मैं आपके सामने लाइव मार्केट ओपन है, मतलब लाइव चार्ट ओपन है, ठीक है, आप देख लो सिंपल, दो बैक टू बैक क्या बने, ग्रीन कैंडल बने ना, मार्केट का एरिया देखो, मार्केट का रेंज क्या चल रहा है मार्केट, अरे भाई बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, देखो मार्केट का समझो पहले, तरीका समझो कहाँ काम करेगी कहाँ काम नहीं करेगी, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए वीडियो पे बने रहो, ठीक है, तो देखते रहो समझते रहो वीडियो में क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो दो कैंडल थे ना, ये दो कैंडल बने, तो बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में इस कैंडल ने रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद गैप अप भी गैप डाउनिंग ओपनिंग हुई, देखो ठीक है,
तो यहाँ भी आपने अगर डाउन डायरेक्शन में लोगे तो आपकी श्योर शॉट हो जाएगी, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रेड कैंडल बन गया, तो सिंपल सा इन चीजों को फोकस करके आप डेफिनेटली बहुत तगड़ा प्रॉफिट निकालोगे भाई, तगड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा ना अलग चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि जहां पर मार्केट यहाँ तो देखो अच्छी है, थोड़ा बुरी मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसे क्या क्या काम करेगी। तो एओडी सीएडी, अब देखो एओडी सीएडी के चार्ट को हम देखें तो क्या स्थिति होगी, राइट। ओके ओके, अब देखो यहाँ देखो, यार देखो फिर भी देखो चार्ट ये भी मतलब अच्छा चल रहा है, मार्केट काफी अच्छी चल रही है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा ही थोड़ा सा खराब है, ज्यादा नहीं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 80% चार्ट अच्छा है, लेकिन 20% चार्ट फिर भी खराब चल रहा है, क्योंकि देखते मुझे पता लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर वीक वगैरह सारी चीजें मार्केट का रेंज मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देन मैं आपको कहाँ लेके जा रहा था, कहाँ कहाँ कहाँ, ओके ओके ओके, तो मार्केट का आपको करना क्या है, देखो मार्केट में आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, मार्केट का एरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ आया, ठीक है, आने के बाद में थोड़ा पीछे देखो, मार्केट का पूरा चार्ट यहाँ पर गड़बड़ बैठा है, ठीक है, गड़बड़ बैठा है। प्लस यहाँ पे देखो पूरी मार्केट यहाँ से खराब है, ठीक है, पूरी मार्केट यहाँ से खराब होने के बाद में, ठीक है, तो आपको फोकस किस चीज पे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ चार्ट खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बैक टू बैक दो क्या बने, ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन बनने के बाद में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में अगर आप फोकस करेंगे तो इस कैंडल ने ना देखो इस कैंडल ने टच किया है, इस कैंडल ने टच किया है, सिर्फ टच किया है, तो टच पे मतलब थोड़ा ब्रेक हो जाए ना, तो ब्रेक करने पर फोकस करना, तो इसने नहीं किया तो देखो इस वाले रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लोगे तो लॉस हो जाएगी, एमटीजी आपकी विन हो ही जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से काम कर रही है, तो आपको क्या देखना कि लेवल्स तो नहीं है, अब देखो यहाँ पर कोई लेवल्स ऐसा नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो नहीं लेवल्स नहीं बन रहा है, तो आपको लेवल देखना कहीं सपोर्ट रजिस्ट्रेशन तो नहीं बन रहा है। प्लस और भी मेरे दो तीन शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है, अगर नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लेना, वो कोई और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वहां लॉसेस का चांसेस रहेगा, अगर वो शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बनेगा तो मार्केट उसको भी फॉलो करेगी, क्योंकि जो मैं शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बताता हूँ मार्केट उसको डेफिनेटली फॉलो करके चलती है, मेरी बात समझ रहे हो ना, वो डेफिनेटली प्रॉफिट क्या नाम है फॉलो करके चलती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इन सब चीजों को थोड़ी नॉलेज रखना कि ये मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो वैसे लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि मार्केट ज्यादातर जो ये शॉर्ट जो बनाती है ना, ये वाला पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बनाती है, तो ये ऐसा है कि 99.99% आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड देगी एंड आपकी लॉस ट्रेड नहीं कराएगी, जहां तक मुझे इतना पता है, क्योंकि मैंने काफी बार इस पर प्रैक्टिस भी किया है तो एंड नॉलेज भी लिया, तो समझ में आता है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, मैं प्रॉफिट भी बता दिया मैंने, अब थोड़ा देखो लॉस बताता हूँ, लॉस होता क्यों, आप लोग फंसते क्यों, क्योंकि आपको क्या है ट्रिक चाहिए। अब आपने ट्रिक तो यूज कर ली कि हाँ देखो भाई अभी भाई ने बताया, भाई अभी गौर भाई ने बता दिया है कि दो ग्रीन कैंडल होने चाहिए, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, ऊपर से मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो देन यहाँ पर डाउन ले लो, फिर एमटीजी ले लो, दोनों लॉस हो जाएंगे, फिर थर्ड कैंडल लेके आ रहा है मार्केट। भाई लेके क्यों नहीं आएगा, भाई लेके क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडल तो देखो बना कौन सा है, यहाँ पर खुद मार्केट बोल रही है कि हाँ भाई हम 2 से 3 कैंडल हम कॉल डायरेक्शन बनाएंगे, ग्रीन कैंडल बनाएंगे इसके बाद में, मार्केट खुद बोल रही है, तो देन लॉस होता है इसलिए कि आपको प्रॉपर पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होती है। तो बस मैं इतना कहूंगा आराम से रिलैक्स होके करें, अगर एमटीजी भी कहीं लॉस हो जाती है तो तीसरा कैंडल मार्टिकल बिल्कुल मत लो, फिर नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या है कभी कभी बीच में मार्केट जब चलती है तो वहां पर एक ऐसे कैंडल बनते हैं जो मार्केट के मूवमेंट ही पूरा चेंज करते हैं, जहां पर वो ट्रिक वो चीजें काम नहीं करती है। मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ बट समझने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दो बैक टू बैक बने, यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेक, लेकिन यहाँ पर डाउन लॉस, एमटीजी भी लॉस, थर्ड कैंडल यहाँ पर आ चुका है, दो बैक टू बैक, देखो दो ग्रीन कैंडल जो आने थे वो इस कैंडल के अकॉर्डिंग आने थे, क्योंकि जब मार्केट का जो मूवमेंट चल रहा है ना, ये मूवमेंट देखो मार्केट का क्या मूवमेंट है, ठीक है, तो सिंपल सा फोकस था भाई कि यहाँ पर लॉस होना ही था, ठीक है। तो देन प्रॉफिट कहाँ होगा, प्रॉफिट देखो यहाँ होगा ना, मार्केट का रेंज देखो क्या है, और ज्यादातर फोकस करो कि अगर दो ग्रीन कैंडल होते हैं ना, अगर बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो मार्केट का ये मत देखो कि यहाँ से बगल में ही होके ब्रेक हो जाए, यानी कि यहाँ से यूं नीचे होके ब्रेक हो जाए तो बस हो गया काम, नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा ऐसे जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर लॉस का तो चांसेस नहीं होगा, मैं आपको फिर डेफिनेटली बता रहा हूँ लॉसेस का तो चांस होगा ही नहीं, बट फोकस यहाँ पर देखो, इसने इसको ब्रेक किया, डाउन भी आ जा भाई, फिर ये भी डाउन, सिंपल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई, सिंपल, ठीक है।
तो देन अब और मैं मार्केट में और बेकार मार्केट में चलता हूँ, बिल्कुल मार्केट खराब चल रही है। थोड़ा लाइव मार्केट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये तो मैंने ओटीसी दिखा रहा हूँ, और एक्चुअली आज तो लाइव मार्केट नहीं है क्योंकि आज मंडे है, तो ओटीसी मार्केट चल रही है क्योंकि आज लाइव मार्केट हमारी ऑफ पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी लाइव मार्केट का हम थोड़ा सा चार्ट ओपन करेंगे कि लाइव मार्केट में चल क्या रहा है, मतलब लाइव मार्केट के चार्ट में चल क्या रहा है। यार चार्ट कितना अच्छा चल रहा है पता है, आई लव चार्ट यार, मजा आ गया। मतलब चार्ट को देखते ना, इसमें ना मैं इतनी बता रहा हूँ, इसी में मैं कम से कम 20 से लेके 25 शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंड निकालूंगा इसी बीच में, इसे इस बीच के अंदर में मैं 20 से 25 शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंड निकालूंगा, वो भी आप लोग भी निकाल लोगे। यार कितना गजब का चार्ट चल रहा है, मतलब ऐसे चार्ट ना यार बहुत कम मिलते हैं देखने को मार्केट में। दिखाता तो है मार्केट, लेकिन फंसाता भी अच्छे से, मार्केट देती भी अच्छे से, लेती भी बहुत अच्छे से, बस इतना ही चीज है, ठीक है? तो देखो मैं आपको फिर फोकस दिलाता हूँ, ठीक है, कि करना कैसे, क्या है क्या, ठीक है? मार्केट का एरिया क्या चल रहा है, देखो यहाँ भी आप देखोगे ना, अब देखो यहीं से मार्केट गया था, यहाँ से आने का ऊपर से नंबर लगाया था इसने, ऊपर से ब्रेक करने का, तो दो बैक टू बैक कौन से थे, ग्रीन, ग्रीन के बाद में इस कैंडल ने ब्रेक किया डाउन, आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली, हो गया प्रॉफिट, हुआ ना प्रॉफिट, चलो ठीक है। अब देन देखो ये तो दो थे, इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस वाले ने ब्रेक किया डाउन लिया लॉस, एमटीजी विन, मतलब एमटीजी बहुत कम विन कराएगा, लेकिन ज्यादातर फोकस शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड पर ही रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप सभी लोग, ध्यान से समझ लो मैं बोल रहा हूँ, नई बात समझ पा रहे हो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके आराम से देखना प्यार से, ठीक है ना? प्यार से ही बोल रहा हूँ, प्यार से आराम से सीखो, सीख कर ही प्रॉफिट बनाओ, और किसी फालतू के लोगों के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ता हूँ मेरे प्रभु, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मत किसी चक्कर में पड़ो, सीखो सीख कर बढ़ो। इसलिए आप लोगों के लिए मेंटोरशिप लॉन्च की है, आप लोगों का कहने पर ही मैंने मेंटोरशिप लेके आया हूँ। आप ही लोग बोलते थे अभी भाई कब लेके आओगे मेंटोरशिप, हमें यार ज्वाइन करनी है, हमको सीखना है, लेकिन लॉन्च कर दिया तो ध्यान नहीं देते हो कि हाँ मेंटोरशिप लॉन्च हो चुकी है, तो जाके सीखो, जाओ सारी डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएंगे मेंटोरशिप की, मेंटोरशिप कैसे क्या है प्रोसीजर है, राइट? तो देखो प्लीज मैं आप लोगों से बोलूंगा ज्यादा किसी की फालतू के चक्कर में ना पड़ के बंदे को एक को फॉलो करो, सीखोगे लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, और मैं तो हमेशा सिखाने के लिए यार ऑलवेज रेडी रहता हूँ, मैं हमेशा कभी पीछे नहीं हटता कि यार आप लोग मत सीखो और आगे नहीं बढ़ो भाई, फ्री में इतनी नॉलेज मैं देता हूँ, क्योंकि मार्केट में इतने पैटर्न है यार, 40 पैटर्न है मार्केट में, क्या है 40 पैटर्न ऐसे हैं मेरे पास में मार्केट के, जो मैं उसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, अगर यूट्यूब पे डाल दिया तो भाई बवाल मच जाएगा, और उस बवाल को मैं मचाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर यूट्यूब पे डाल दिया तो भाई कोटेक्स वाला उसको चेंजेस भी कर सकता है, अब वो चेंज कर दिया तो यार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न जिनके बल पे तंगड़ा प्रॉफिट बनाया जाता है, तो इसलिए मैं मेंटोरशिप में सिखाना चाहूंगा, तो जल्दी से मेंटोरशिप में आप आ जाऊंगा, ठीक है? अब देखो मार्केट का एरिया क्या है, ठीक है? मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी 17 मिनट हो चुके हैं, ठीक है? तो देन देखो ये जो वीडियो बना दी मैंने, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ भी देखो दो ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद में आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर लाइन लगाएंगे तो आप तरीके से फोकस करेंगे, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में आपने यहाँ पर डाउन ली लॉस हो जाएगी, एमटीजी विन हो जाएगी, ठीक है? तो एमटीजी यहाँ पर आ चुकी है। प्लस नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताऊँ, आप फोकस करो दो ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल होने के बाद में इस कैंडल ने इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में क्या आया डाउन आ गई ना, हो गई ना शॉर्ट शॉर्ट, अगर ये भाई ट्रिक काम ना करे, अगर प्रॉफिट ना दे, तो चैलेंजर बोल देना, मैसेज कर देना मुझे पर्सनली, भाई ये ट्रिक काम नहीं करेगी भाई, 101% काम करेगी, आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना प्रॉफिट बनाया जाए तो इस ट्रिक से आप प्रॉफिट बना लेना, मैं इतना कहूंगा, किसी एरे गुल्ले के चक्कर में फालतू के चक्कर में ना पड़ गए, इससे बस प्रॉफिट बनाओ इतना ही कहूंगा, ठीक है? यार कहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी बताओ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ से आया, ठीक है? दो कैंडल थी ग्रीन, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में डाउन डायरेक्शन, आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले ली, हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट होने के बाद में फिर भी आप देख लो दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन आप बीच में लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेक डाउन प्रॉफिट, अरे भाई काम करेगी, लेकिन किस मार्केट में काम नहीं करेगी, लाइव मार्केट में भी काम करेगी, ठीक है? ये नहीं है लाइव मार्केट में काम नहीं करेगी, बट थोड़ा चार्ट आपको क्या देखना है, कैसे देखना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस, ठीक है? तो एक ऐसा चार्ट आप पकड़ लो और डेफिनेटली आप प्रॉफिट बना लोगे भाई, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको प्रॉफिट ना मिले तो मुझे बता देना, दो ग्रीन बैक टू बैक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक डाउन प्रॉफिट, सिंपल। तो देखो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैंने आपको वीडियो बना समझा दी, इतने में समझ में आ चुका होगा, तो देन मैं वीडियो को भी क्लोज कर रहा हूँ। प्लस माय डियर फ्रेंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब बनता ही बनता है, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आ जाओ और किसी फालतू के चक्कर में ना पड़ के सिंपल प्रॉफिट बनाओ नॉलेज के बेस पे, मेंटोरशिप भी लॉन्च हो चुके, तो आ जाओ जल्दी से, ठीक है? तो मैं चलता हूँ, अलविदा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी अच्छी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेके आऊंगा, सॉरी
ट्रिक लेके आऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट, ठीक है ना? बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू।